हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यार, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कुछ डाला नहीं था। एंड मेरा एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं एंड दुर्गा पूजा आने वाला है। एंड फॉर बंगालीज इज वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल्स एवर। एक्चुअली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। और मैंने अपने बाल छोटे करा दिए हैं, तो अगर आप लोग को देखना है तो मैं अभी बताती हूँ पूरा प्रोसेस बाल छोटे होने के। सो यहाँ पे चल रहा है हमारा हेयर कट, हेयर वॉश एंड एवरीथिंग। मैं पहली बार अपने आईब्रोज भी बनवाऊँगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, काकी का भी होने वाला है, भाई का हो रहा है। और अभी यहाँ पे मम्मी व्लॉग कर रही है। एक्चुअली मैं तो कर नहीं सकती, मेरा हेड वॉश हो रहा था करके। एंड या उसका हो रहा है हेयर कट। कोई और बच्चा होता तो वो रोता, इसको बहुत ज़्यादा शौक है, मज़ा भी आ रहा है। चलो हम दिखाएंगे इसके बाद। सो यहाँ पे काकी का हेड वॉश हो रहा है, जो कि बहुत आरामदायक वाला प्रोसेस होता है। एंड काकी का तो टाइम भी लगता है, इसलिए लंबा बाल है। घर पे काकी का हो रहा है, मम्मी का हो रहा है। इधर देखो मम्मी, कैसा लग रहा है तुमको? काकी का भी इधर हो गया है, मेरा दिखाती हूँ गाइस आपको। 3, 2, 1 गो। यहाँ से मैं सीधा आपको कुछ दिन बाद मिलती हूँ। सो गाइस, अभी हमारे बंगाली दुर्गा पूजा के लिए कितने दिन मम्मी? हमारे बंगाली दुर्गा पूजा षष्ठी के लिए कितना दिन बाकी है बोलो ना, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। 20 तारीख से है आज। कितना तारीख है आज? 14 तारीख है आज, और 20 तारीख से है, और 15 तारीख से मतलब कल से नवरात्रि है। और आप देख सकते हो ना ये फूल, इसमें मतलब मेरे को तो खुशबू आती है, ये दोनों को बदबू आती है बहुत। मतलब बोलते हैं कि सिर दर्द होता है, और इसको भी खुशबू आती है। क्यों मम्मी, वो फूल से क्या प्रॉब्लम है दोनों को? मेरे को पसंद ही नहीं है, मतलब इतना सिर दुखता है, तुम बोल उल्टी आता है, अलग बदबू। मुझे अच्छा लगता है। आज हम दोनों इन दोनों साड़ी पहन के घूम रहे हैं। अभी हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं रोड में, बोर लग रहा है। गाइस, जो लोग मेरे चैनल में थोड़ा सा पहले से, उनको ये घर याद रहा होगा, और ये गली भी रहा याद रहा होगा। तो सब लोग कमेंट करके बताना कि ये मोमेंट कौन से व्लॉग में था, ये गली मैंने कौन से वीडियो में दिखाया है। यहाँ दोनों इसको भूत चढ़ गया होगा। चांद जैसे गोल है इसका सींग, दौड़ा ना दे, पता चला दौड़ा देगी। हाँ दौड़ाएगा तो साड़ी पहन के कैसे भागोगी? अभी आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गया, 15 तारीख हो गया आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बता क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? काकी अपना रील्स देख रही है। अरे यार, सो गाइस यहाँ हम लोग आ गए हैं मेरे सामने वाले घर पर, जहाँ पे हम खाना वाना खाएंगे। उन लोग बुलाए हैं हम लोग को, एंड यहाँ साउथ इंडियन स्टाइल में सब बनेगा। अरे यार, अभी इसको मिर्च
मिर्ची वाला मत बना, कम मिर्ची वाला। शिवांशु तो बैठा है इसके दोस्त लोग, ये है सूर्यांश। तो गाइस अभी आ गया है हम लोग का खाना, देख सकते हैं अलग अलग तरीके का चीज है। खाना स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अम्मू आ गई है और हमारा खाना भी हो चुका है। देखते हैं गाइस, शिवांश क्या खा रहे हो? ये पापड़, ये पापड़ खा रहे हो? पापड़। हाँ अभी अच्छा बोला, नहीं तो पॉपेट बोल रहा था। बाय बाय शिवांश, देखो इधर देखो, बाय बाय। तो अब हम जा रहे हैं, चलो लगता है बारिश होने वाला है, पूरा बादल हो गया। अब हम लोग आए थे पूरा धूप धूप था, अभी पूरा बारिश हो रहा है। ये काका आते हो इधर, बाय बाय सूर्यांश। सो ये सब खाना वाना के बाद अब हम, मैं आपको स्किप करती हूँ नेक्स्ट दिन पर, और देखते हैं दुर्गा पूजा के लिए आने वाला है टाइम। मैं जल्दी जल्दी स्किप करके आपको दिखाती हूँ वही दुर्गा पूजा का वेट। दुर्गा पूजा में क्या होगा वो तो आपको देखना पड़ेगा। हे गाइस, ये नेक्स्ट दिन है दुर्गा पूजा का वेट करते हुए। नवरात्रि तो आ गया है। आज हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा का ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए। ऐसी यहाँ पे बाबू जा रहा है ट्यूशन, उसको ट्यूशन छोड़ के फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि वो रहता तो बहुत वो रहता है, किचकिच होता है। मम्मी ओ मम्मी बोलो कुछ। तो गाइस ये वाला ले लिए हम, ये और ये है, ये मम्मी ली है अपना गोल्ड मम्मी के लिए, और मेरा ये वाला है। और ये दोनों काकी वाला भी है, काकी अपने लिए ली है। और दुर्गा पूजा का ब्लॉग जल्दी आएगा, इसके शायद बाद आ ही जाएगा, इसके ये वाले ब्लॉग के बाद पक्का दुर्गा पूजा का ब्लॉग आएगा। तो अभी मैं आपको मिलूंगी सोशी सप्तमी के दिन। तो क्या होगा दुर्गा पूजा में हमारे, ये आपको तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और तब तक कि आप इसका पगलापंती तो देख ही रहे हो, घर में कितना सताता है इनको, बच्चे अब मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। होप करोगे हमारे चैनल पर, हमें सपोर्ट करोगे। अभी अभी हमने स्टार्ट किया है तो हेट ना दीजिएगा, ना ही जज कीजिएगा, और जो भी आपको ओपिनियन हो सब कमेंट में लिखना ना भूलना। बाय।